सिर्फ धार, ना केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लैब धनबाद का लोकप्रिय न्यूज पोर्टल। मैं हूँ सरता। चलिए खबर की ओर। समाज सेवी व पार्षद प्रत्याशी ने शुरू की एक नई पहल। अब उन बेटियों के लिए जो आर्थिक तंगी के कारण मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पा रही है, उनके लिए निशुल्क शिक्षा की एक पहल की शुरुआत समाज सेवी शमीम अख्तर ने किया। बता दे, कुछ ऐसे भी बेटियां के लिए सुनहरा मौका दिया जा रहा है जो ग्रेजुएशन या उससे ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं और आगे भी पढ़ना चाहती हैं तो संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बेटियों को आगे पढ़ने में यथासंभव मदद किया जाएगा। वहीं इस पहल से वार्ड 19 के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। दर्जनों महिला एवं बच्चियों ने समाज सेवी शमीम अख्तर को धन्यवाद किया। नेशनल टुडे लैब्स सरताज की रिपोर्ट। देखिए हमारे चैनल के माध्यम से बच्चियाँ क्या कह रही है। मैं लीशा परवीन नया बाज़ार में रहने वाली हूँ। मैं अंकल के पास आई थी अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, तो अंकल ने मुझे बोला कि कोई ऐसा थॉट बताओ जो काम आ सके, जो मतलब जो तुम लोग के लिए और लड़की लोग के लिए। तो मुझे तो मेरे फादर साहब ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिया, लेकिन मैंने अपने आसपास में बहुत सी ऐसी लड़कियाँ देखा है जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाई हैं, मैट्रिक नहीं कर पाई हैं। तो मैंने सर को बताया कि ये प्रॉब्लम है, आप ये करिएगा तो बहुत सारी लड़कियों का मतलब आगे पढ़ने का एक रास्ता मिल सकता है। तो सर ने उसे बहुत सराहाया और उन्होंने ये फैसला भी लिया, और आज जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने बोर्ड भी लगाया है और बहुत अच्छी सी मीटिंग भी रखी है इसके लिए। और मैं सर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया। कहने के एक शिक्षा के जगत में अच्छी पहल की शुरुआत की गई है और वार्ड के जी बिल्कुल ऐसा है, उनको एक मुकाम मिलने का प्लेटफॉर्म मिल गया जी। इन्होंने अभी तक तो 50-60 लड़कियों कर ही चुका है और जैसे जैसे सबको पता चलेगा वो आती जाएंगे और उनको ये प्लेटफॉर्म बहुत पसंद भी आएगा। पढ़ाने वाले भी बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए हैं और पढ़ने वालियों का भी जो सिलेक्शन हुआ है वो भी बहुत आगे तक जाएंगी। नाम बता दें। अलीशा पन्नी। थैंक यू। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जो बेटियाँ 9-8 पढ़ चुकी हैं और किसी वजह से वो झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम मैट्रिक का नहीं दे सक रही हैं, प्लस मैं 10 का, तो उनको कोचिंग करवा के झारखंड बोर्ड से स्कूल से उसका ये झारखंड बोर्ड से उसको शामिल कर स्कूल से उसको शामिल करवा के और उसको मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलाया जाएगा। और वो बच्चियां जिसको जो पढ़ेंगी जो कोचिंग करेंगी उनको कोचिंग करने के लिए भी लड़की माने लड़की ही होंगी जो ग्रेजुएशन की होंगी या ग्रेजुएशन से ज़्यादा पढ़ी होंगी, उन लोगों को बुलाया जाएगा। उन लोगों को बुला के उन लोगों के मशवरे से ये इसकी तैयारी की जाएगी और वही वो जो ग्रेजुएशन की हुई बच्ची होंगी या ग्रेजुएशन ज़्यादा पढ़ी होंगी वो इन बच्चे को पढ़ाएंगे ट्यूशन की तरह और मैट्रिक की तैयारी करवा के आज झारखंड बोर्ड से किसी स्कूल से उसके एग्ज़ाम का तैयारी करवा के उसको एग्ज़ाम दिलवा देंगे। एजुकेशन के मामले में जो भी कुछ ये आपका ये संदेश आप लोगों के सामने जा रहा है, ऐसे में सरकार के मत या फिर अपने तरीके से कि आखिर ऐसा विचार कैसे आपके सामने आया? हाँ, ऐसा विचार इसलिए आया कि हर मोहल्ले में घूमने से, हर इलाके में घूमने से, हर शहर में घूमने से, हर गली में घूमने से ये रिजल्ट सामने मिला कि हमारी बच्ची 8वां तक पढ़ी है, हमारी बच्ची 9वां तक पढ़ी है, हमारी बच्ची 7वां तक पढ़ी है। तो हमने सवाल किया कि आगे क्यों नहीं पढ़ी, 7वां पढ़ के क्यों छोड़ दी? चुनावी माहौल के लिए या फिर आगे भी इस तरह का? ना, चुनावी का तो कोई माहौल ही नहीं है। नहीं, समाज से भी वाला था, चुनाव का कोई मुद्दा इसमें नहीं है, चुनाव का कोई बात नजदीक आ गया। आप हम लोगों के दौर पे जा रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं, जिससे पहले शिक्षा आपको नहीं दिखाई दी, आज आपने कहा कि ऐसे बच्ची को पढ़ा करके आगे सहायता दी जाएगी। हाँ, इसी घूमते के दौरान में बच्चियों ने ही मुझे समझाया कि ये चीज़ को आप हमेशा के लिए चालू कर दीजिए अंकल, इसलिए कि आप पढ़ाई के लेवल में खासकर लड़कियों का जो है लेवल गिरता जा रहा, मैंने कि गरीबों में जो है नीचे में जो है क्षेत्र के लोगों बच्चियों के लिए या फिर धनबाद जिले के कहीं से भी बच्चे आएंगे? ना, धनबाद जिला के झारखंड जिला झारखंड प्रदेश से आएंगे तो उसका भी होगा जी। सिर्फ धनबाद ही नहीं, कहीं से भी जिसको सहायता चाहिए वो आ सकती हैं, चाहे वो धनबाद की हों, धनबाद से बाहर की हों, किस इलाके की हों। अभी तक ऐसे कितने बच्चियों को चिन्हित किया गया है? अभी चिन्हित किया गया कुछ लोगों को, चिन्हित में मेन आज ये बुलाया गया, बच्चियों को बुलाया भी गया है। बच्चियाँ होंगी अभी तक
अभी तक मोटा मोटी समझिए कि पढ़ाने वाले में से 15-20 आ चुकी हैं और जो पढ़ने वाली में से उसमें भी 50-60 आ चुकी हैं। नाम बता दीजिए जी। नाम बता दीजिए। हाँ, हमारा नाम शमी अख्तर हुआ, हम समाज सेवी हैं, कलाली बगान में रहते हैं।